सी ही इज़ माई कॉमन फ्रेंड एंड वी हैव मेट 3-4 times. दो टाइम मैं इवेंट के लिए मिली और एक दो बार मेरे कॉमन फ्रेंड्स थे उनके थ्रू मिली हूँ. मैं जब भी मिली मुझे लगा नहीं और अब तक मैं शौक में हूँ. आई थिंक 3 दिन तक मैं शौक में थी बट उसके बाद मैंने मुंबई पुलिस के व्हाट्सअप चैट्स देखे जो उन्होंने रिलीज़ किए, व्हाट्सअप चैट्स स्टेटमेंट्स और ये सारी चीज़ें देखी, तो अब तक मैं शौक में हूँ. मैं बहुत बार राज को मिली हूँ बट ऐसा मुझे रिफ्लेक्ट नहीं हुआ उनसे एंड दिस इज़ वेरी वेरी शॉकिंग एंड इफ़ इज़ डूइंग दिस दैन इज़ रियली रियली सैड पार्ट ऑफ हिज करियर बिकॉज ही हैज़ एवरी थिंग, नो नीड टू डू ऑल दिस थिंग बट इफ़ इज़ डूइंग सो आवर जुडिशल सिस्टम यू नो दैट ही विल गेट पनिश्ड. शिल्पा को मैं पर्सनली जानती हूँ और एक्चुअली उसको बिना बात के बहुत ज़्यादा ड्रैग किया जा रहा है. ठीक है वो उसका हस्बैंड है बट दोनों के करियर अलग अलग है और बिना बात के उसका नाम बहुत घसीटा जा रहा है, बहुत ड्रैग किया जा रहा है, बहुत खींचा जा रहा है. हम सब जानते हैं फिल्म इंडस्ट्री में उन्होंने कितना हार्डवर्क किया है और बहुत ही हार्डवर्क करके वो अपने जो भी आज स्टेज पे हैं वो है. तो मुझे लगता है कि उनको थोड़ा सा छोड़ देना चाहिए, मुझे लगता है उनको थोड़ा सा अवे कर देना चाहिए बिकॉज सब ने मेहनत की होती है. तो उसके हस्बैंड की वजह से उसका नाम इतना ख़राब हो और उनकी अभी हंगामा 2 भी रिलीज़ हो रही है उस पर भी असर पड़ने वाला है. तो आई थिंक प्लीज़ लीव अलोन शिल्पा. क्या आपको लगता है कि रिया चक्रवर्ती की तरह ही ड्रैग करा जा रहा है, जैसे कैप्टन भी छंट बोलते हैं इसको हम? आपने ये करेक्ट कहा कि रिया चक्रवर्ती की तरह, और मैं मानती हूँ कि रिया चक्रवर्ती बहुत ही ब्रेव गर्ल है. जिस हिसाब से उसको ड्रैग किया गया था आई डोंट नो कितनी सच्चाई थी और नहीं बट बहुत ज़्यादा हो गया था उसके साथ, वैसा ही शिल्पा के साथ हुआ है और मुझे नहीं लगता है कि ये ठीक है, इतना नहीं करना चाहिए. हाँ उसका हस्बैंड है, ड्रैग करो बट बहुत ज़्यादा हो गया उसके साथ, वो बहुत परेशान टेंशन में है. सो प्लीज़ उसको इतना मत तंग करो यार. 8-14 दिन की कस्टडी ले ली है जी, एक्सटेंड हो गई है रात 15, जिस पे कुछ कहना चाहिए? हाँ बिल्कुल, अभी 14 दिन की कस्टडी हो गई है उनको और अभी भी चीज़ें प्रूव होने पर हैं. तो मुझे ये लगता है कि 14 दिन के बाद भी अगर कुछ हल निकल सके निकले और हमें पता चले कि एग्जैक्ट रीज़न क्या रहे. थैंक यू सो मच. थैंक यू. समथिंग आउट ऑफ द बॉक्स, व्हाट्स योर टेक ऑन द करंट राजकुंद्रा कंट्रोवर्सी? आई थिंक ही इज अ फैमिली मैन एंड पीपल शुड बी लिटिल मोर सेंसिटिव इन द मैटर. डेफिनेटली टुडे इन द करंट न्यूज़ यू नो द क्राइम ब्रांच गॉट 14 डेज जुडिशियल कस्टडी ऑफ राजकुंद्रा. यस. Honestly, I mean, I don't know exactly what's happened, so I have no one to comment. But I think people need to be sensitive that he has a family, he has a wife, he has a child. And the media needs to be a little more sensitive to that and not blow things out of proportion. We never know what the truth is. It's always, you know, disguised with a lot of rumors and lies. So whatever happens should happen for the best and I wish them all the best. Do you agree if it's the same, you know, scenario happening with Shilpa, what happened with Riya Chakraborty long back? No, I don't think so. There's anything related to that. And it's just a very sad time for her. And I'm a big fan of hers. And I really hope things work out for them, to be very honest. Thank you. I think everybody is saying different things. But I feel that, you know, agar koi kaam kuch kar raha hai, acting kar raha hai, jitne bhi actors unke saath kaam kar rahe hain, तो दैट इज़ इनकी अपनी चॉइस है, कोई उनको फोर्स नहीं कर रहा है काम करने के लिए या जो भी कंटेंट वो लोग बना रहे हैं. सो नोबडी इज़ फोर्सिंग देम, सो इट्स देयर चॉइस. सो यू कैन नॉट ब्लेम एनीबडी और यू कैन नॉट ब्लेम राज कुंद्रा फॉर दैट. या आई डोंट फील गुड अबाउट इट. आई थिंक शी इज़ वेरी गुड एक्टर एंड शी हैज़ अ वेरी सक्सेसफुल करियर. सो वो गलत हो जाएगा उनके बारे में ये सब बातें बोलना. आई डोंट लाइक ऑल दिस. थैंक यू.